पता है आपको कितने लोग यहाँ पे आए हुए थे? आपका पूरा बैग यहाँ पे था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। अब वही खाना आपको गर्म करके खिलाऊंगी मैं। इतने लोग थे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। सरप्राइज का मतलब समझता है ना तू? अरे यार सरप्राइज सरप्राइज होता और क्या। लो खुद ही खुल गया, देखो बेटी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? आपका इंतजार करते करते सो गई है वो। पता है आपको कितना समय हो रहा है? अरे अरे अरे, अरे बाप रे, इतना तीन दुकान। हाँ तीन दुकान। और क्या और भगवान, अरे अपना भविष्य सीधा सा है यार। पहले थोड़े कपड़े बेचता था, बाद में बहुत कपड़े बेचूंगा। मेरा हो गया, अब तू शुरू कर। और सुन, पिंकी की शादी से शुरू करना, मजा आएगा। नहीं उससे भी पहले मैं इस घर से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये घर ना 2 साल में अपना हो जाएगा। हो गया, फिर पिंकी की शादी। नहीं मजा आ गया भगवान, कुछ साल में बिल्लू इंजीनियर बन चुका होगा। अरे वो देख कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, ये लंबे लंबे पुल बना रहा है। तब तक पिंकी के बच्चे हो गए होंगे बहुत सारे। फिर बिल्लू की शादी। हाँ उसके बच्चे। अरे वाह। और ना हम उन्हें बड़ा करेंगे, उनके साथ खुद खूब मस्ती करेंगे और उनकी भी शादी करेंगे। अरे करेंगे भगवान, सब करेंगे। और देख, और अगर बच्चे रहे तो उनके बच्चों का भी सुख लेंगे। और फिर और वैसे भाई साहब, आज आपका दिन पूरा बर्बाद हो गया। अरे कहाँ भाभी, दोस्त के लिए एक दिन क्या दिक्कत है? आपको भी बड़ी देर हो रही होगी ना भाई साहब। कौन इंतजार कर रहा है भाभी, नीचे जाऊंगा, दुकान का शटर उठाऊंगा और फैल के सो जाऊंगा। इसे भाभी, थोड़ी चिंता तो मुझे भी हो रही है। अपने जन्मदिन पे गायब है साला, मुझे तो याद नहीं कि कभी पहले उसने ऐसा कुछ किया हो। हाँ भाई साहब, पिछले कुछ महीनों से बड़े देर से आने लगे हैं। पहले तो मुझे लगता था कि वो आपकी दुकान पर नीचे बैठ जाते होंगे, फिर कहने लगे कि ऑफिस के पास ही कोई पार्क है, वहीं बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है। ठीक बात है, बताए थोड़ी साल में कब। और भाई साहब कुछ दिनों से लगता है अकेली भी नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं भाभी, एक गिलास दीजिए ना। ठीक है मैं लेकर। अरे वो गिलास भी वहीं से लेगा तो वहीं पी लेना। साले भगवान कहा था तू, पता है कितनी चिंता हो रही थी, 5 मिनट पहले तेरा बर्थडे निकला है। नाराज क्यों होता है, आज मेरा बर्थडे है यार, गले मिल जा। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। माल है ना? ए, माल तो यही है, बीवी से मिलने पहले, नाराज है। ठीक है। आज तो उन्होंने मेरा जन्मदिन भी मनाया, मैं पूछता रहा कि तुम्हें कैसे पता चला, पर यार किसी ने कुछ नहीं बताया। किसके बच्चे हैं वो? पता नहीं यार, बच्चे हैं। अरे सुन तो, आज वो चाचा जी भी आए थे मिलने। तेरा कोई चाचा भी यहाँ रहता है? नहीं, मेरे चाचा नहीं। अरे पूनम, क्या है? सुनो तो, क्या है? नाराज हो क्या? कोई फर्क पड़ता है क्या आपको? छोड़ना। चीयर्स। जानता है भगवान, आज भाभी ने कितनी मेहनत करी। मैंने भी अपनी दुकान के सारे नौकरों को छुट्टी पे भेज दिया। मतलब तालियां मिल चुकी है और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो थोड़ा सा अगर बताया उस बारे में। ये प्ले आप सभी को, सभी आप जानते हैं मानव कौल सर को, ठीक है? उन्होंने ये प्ले लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, डायरेक्शन मैंने किया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक इंसान होता है बढ़ती उम्र का, उसके दिमाग में पता नहीं क्या इल्यूजन्स शुरू हो जाते हैं, बाहर की बातें। वो चाहता है कि मैं जो समय चल रहा है मुझे पसंद नहीं है, जो मैं बचपन में था मैं वो चाहता हूँ, मैं उसमें खुश था। बट कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो चीज़ उसे रोक के रखती है। वो फिर चलता रहता है चलता रहता है, बट उसकी वाइफ लगी रहती है, उसके दोस्त परेशान हैं, बेटी परेशान है, सभी परेशान हैं, ऑफिस वाले परेशान हैं। बट एट द एंड डॉक्टर का ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें, एंड ही
विल फाइनली ठीक। और जो एक्टर्स हैं उनसे जानना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा और अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताया। आपसे स्टार्ट करते हैं। हां तो मैं पीपी शुक्ला हूं, तो भगवान का फ्रेंड, ऑलमोस्ट सेम एज के हम। तो जैसे कि आपने देखा होगा मैं इसको काफ़ी पहले से ही जानता हूँ, तो 20-25 साल से हमारी दोस्ती है। बट इसको जो अंदर से महसूस हो रहा है वो मुझे भी नहीं पता, इसके परिवार वालों को भी नहीं पता। तो इस प्ले में इवेंचुअली जैसे धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मेरे पहले सीन में ही पता लग जाता है कि ये थोड़ा डांस करते हुए ही कुछ तो इल्हाम में चला जाता है। तो वो पहला स्टेप था, मतलब जब मुझे पता लगता है कि इसमें कुछ तो चेंज हो रहा है। तो वहीं से फिर स्टोरी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। इनकी वाइफ है तो वो भी फिर भूत प्रेत मतलब तांत्रिक वगैरह इन सभी पर विश्वास करते हैं कि पति ठीक हो जाए। तो लास्ट में फाइनली हो जाता है ठीक। ऐसा है। मेरा कैरेक्टर का नाम है पूनम, मैं इनकी वाइफ हूँ, भगवान की वाइफ। और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट प्ले है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड जैसे कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि एक वाइफ है और सब बच्चे को भी संभालना है, हस्बैंड सस्पेंड हो गया है, तो हर चीज़ उसके ऊपर आ गई है कि कैसे संभालना है, मतलब चीज़ें बिखरे ना तो उसको समेट के रखना है। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं एक्चुअली कैरेक्टर में पिंकी हूँ, भगवान एंड पूनम की डॉटर। तो मुझे तो क्योंकि कुछ पता ही नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है, फिर बाद में जब आता है तो मुझे सब पता चलता है कि अरे हाँ पापा नहीं है। तो जो एक बेटी को फील होता है कि पापा को अगर कुछ हो जाए तो वो कैसा फील होता है, तो फिर बाबा आते हैं एंड एवरीथिंग, जब होता है तो डर लगता है कि मेरे पापा को क्या हो गया है, फिर एट द एंड वो एक्चुअली फिर ठीक ही हो जाते हैं। वही है स्टोरी एंड की। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना प्रिपेयर करना पड़ा किरदार को लेकर, क्योंकि जो हमने देखा कि अप्स एंड डाउन्स थे किरदार में, अगर कुछ बताया आप उस बारे में। जी प्ले तो आप लोग ने देख लिया कैसा था क्या था, और मुझे कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया तो मतलब मेरे कोच जो गुरु है उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ भी देखी थी, तो उनको लगा कि ये बंदा इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। तो फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिए, कुछ सुझाव किया उन्होंने मुझे, उनके दोस्त भी थे सबसे ज़्यादा, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया, सबसे ज़्यादा सर ने मुझे हेल्प किया, मुझे क्या क्या करना चाहिए था, जैसे एक हरकतें होती है मैं अचानक कहीं और चला जाता हूँ फिर वापस आता हूँ, वो वापस आने का रीज़न क्या था, मेरी फैमिली थी माया मोह जो एक अटैचमेंट होता है वो था, तो वो सब चीज़ें मुझे बारीकी से सर ने समझाया और उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग और मैं काम करता गया, और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ के लिए, बस यही था। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि मेरा कैरेक्टर है गूंगे का, पहले मुझे बाबा का कैरेक्टर ऑफर हुआ था बट बाद में सर ने और डायरेक्टर ने बोला कि एक कैरेक्टर डब है तो वो तू कर ले, इस हिसाब से उन्होंने मुझे गूंगे का कैरेक्टर दिया जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में, तो वो मैंने किया। अभी आपने देखा, आपको पता नहीं कैसा लगा। जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है इस प्ले में। मैं भगवान के साथ में ऑफिस में काम करता हूँ, उनके मैं उनका जूनियर हूँ। तो जो भी इनको इल्हाम होने के बाद जो हरकतें करते हैं उन्हें, उससे हमें बहुत मज़ा आता है, मतलब ऑफिस में ऊपर जाने में, तो उनको भी मतलब मैं उनके मज़े लेते रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मेरा काम ही नहीं है बस मज़े लेते। मेरा नाम ऋतिक रोशन है और मैं इसमें तांत्रिक कर रहा हूँ। पूनम में मुरजारा में उन्होंने मुझे बुलाया कि भगवान दास को कुछ हो चुका है, आप देखे ही जादू किया सही हो गई है। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? और जो किरदार था वो चाचा चौधरी, बहुत ही फेमस किरदार है, और उस बारे में बताइए कि क्या तैयारियाँ की आपने? वेल जब मुझे पता चला कि मुझे चाचा चौधरी करना है, बट मेरे को ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में, सो एक दो दिन उनके बारे में देखा था मैंने यूट्यूब पर, एंड देन उतना एज लेके आना एंड उस एज में भी एनर्जेटिक रहना, तो फिर वो मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ा। एंड मैं एक इमेजिनरी कैरेक्टर हूँ भगवान के लिए, जो इसके दिमाग में बैठ गया बचपन से कि हाँ
चाचा चौधरी जो बोलेगा वही सही है करके, तो उसके हिसाब से वो इलाम में चला गया। एंड जो मैं लेके गया फिर मैं ही बाहर, जब मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है अपनी आखिरी मुलाकात है, तो वहाँ से उसका रियलाइजेशन होता है कि चलो फैमिली भी एक रियल वर्ल्ड भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बाहर आया। वेल छोटा कैरेक्टर है बट बहुत इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था, सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मिला। सर नेक्स्ट क्या होने वाला है अगर कुछ पता है आप? फिलहाल हमने सोचा नहीं है, बट हो सकता है नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बकरी प्ले के बारे में, तो हम लोग शायद रीडिंग शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि एक डेढ़ महीने बाद हम लोग परफॉर्म करें यहीं पर श्वेता फैक्ट्री में। मेरा भी फर्स्ट प्ले है ये, मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है, मेरा भी उसका भी है, एक एक का भी फर्स्ट प्ले है ना, सेकंड में आपके पास फर्स्ट है।